नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्र रानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा वाहिनी के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि दुर्गा वाहिनी क्या है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज हम इस वीडियो में आपको आसान और सिंपल भाषा में बताने वाले हैं कि दुर्गा वाहिनी क्या है, दुर्गा वाहिनी की स्थापना कैसे की गई, दुर्गा वाहिनी कार्य क्या करती है, दुर्गा वाहिनी कैसे हिंदू और राष्ट्र विरोधियों का मर्दन करती है। तो आज इन तमाम प्रकार के सवाल को जानने के लिए आज ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप सभी सवालों के जवाब आसान और सिंपल भाषा में जान पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे VHP, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तमाम प्रकार की चीजें टॉपिक पे अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिए। इन टॉपिक पे हमने काफी सारी वीडियो बना के रख दी है, आप लोगों की मांग पर, आप लोगों के ही सवालों के जवाब देते देते। तो उन तमाम प्रकार की वीडियो की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और या तो ऊपर आई बटन पर दे देंगे, वहां पर जाकर आप तमाम प्रकार के हमारे वीडियो को और देख सकते हैं और आप सभी सवालों के जो भी आपके मन में डाउट हो उसके सवाल जवाब जान सकते हैं। तो चलिए अब हम इस स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं कि दुर्गा वाहिनी क्या है। दुर्गा वाहिनी नारी शक्ति और मातृ शक्ति का बृहद और विशाल संगठन है। जिस तरीके से RSS, VHP, बजरंग दल है, उसी तरीके से दुर्गा वाहिनी है, जिसका काम है हिंदू महिलाओं, बहनों और नारी शक्ति को संगठित करके प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना। दुर्गा वाहिनी का नाम मैया दुर्गा के नाम पर रखा गया है, इसे दुर्गा सेना के नाम से भी जानते हैं। इसका ध्येयवाक्य सेवा, सुरक्षा, संस्कार है, जो कि बजरंग दल का ध्येयवाक्य है। अगर बात करें दुर्गा वाहिनी की स्थापना की, तो दुर्गा वाहिनी की स्थापना सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद और कुछ नारी शक्ति और मातृशक्ति के सहयोग से दुर्गा अष्टमी के शुभ पर्व पर की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुर्गा वाहिनी में 15 से 35 वर्ष की माताएं, बहनें और लड़कियां सम्मिलित होकर कार्य कर सकती हैं और दुर्गा वाहिनी द्वारा दिए जाने वाला प्रशिक्षण ले सकती हैं। दुर्गा वाहिनी हिंदू मातृशक्ति और नारी शक्ति का अद्वितीय संगठन है, जो सेवा, सुरक्षा और संस्कार के आदर्श वाक्य के साथ हिंदू समाज में पुनः जागरण लाकर राष्ट्र धर्म और संस्कृति के साथ साथ हिंदू महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित है। दुर्गा वाहिनी का मुख्य उद्देश्य हिंदू बहन बेटी महिलाओं को संगठित करके और उनको प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाना है, जिससे वो अपने राष्ट्र, सनातन हिंदू धर्म और खुद की सुरक्षा कर सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। ये है दुर्गा वाहिनी का परिचय। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि दुर्गा वाहिनी क्या है। अगर आपके मन में कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे वो पूछ सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि दुर्गा वाहिनी की स्थापना कैसे की गई। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास यानी हिंदू भाइयों के पास और जो भी पुरुष होते हैं उनके पास हमारे काफ़ी हिंदू संगठन है, चाहे वो RSS हो गया, बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया या तो और छोटे बड़े बहुत ही संगठन हैं। लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए कोई भी ऐसा स्वतंत्र संगठन नहीं है जो ये कहता हो कि हम सिर्फ महिलाओं के लिए समर्पित हैं। और इसी को लेकर काफ़ी महिलाएं लगातार मांग करती रही हैं कि हमारे पास भी एक स्वतंत्र संगठन होना चाहिए जो हमें हमारे लिए समर्पित हो, हमारे जो भी नारी शक्ति है उसके लिए समर्पित हो। हालांकि आपको बता दें कि बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद में महिलाएं जुड़ सकती थी, लेकिन इसमें उनका तर्क ये था कि जब हम बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या RSS में जुड़ने की कोशिश करते हैं, अगर जुड़ते हैं तो हम अपनी बात वहाँ पर सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, लोगों के पास पहुँचा नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पुरुषों या हिंदू भाइयों की संख्या ज़्यादा होती है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी बात खुलकर वहाँ पर नहीं रख पाते हैं और मुखर होकर अपने जो भी मांगें होती हैं उसको हम नहीं मांग पाते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में लेकर लगातार काफ़ी दिनों से महिलाएँ मांग कर रही थी कि हमें एक स्वतंत्र संगठन चाहिए जो नारी शक्ति के लिए काम करे। इसी परिप्रेक्ष्य में आप लगातार प्रयास होता रहा, लगातार आप मांगे बढ़ती गई और जब मांगे बढ़ती गई तो 1984 में VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने एक पहल की। उन्होंने तमाम प्रकार की महिलाओं को एकत्रित किया और सभी महिलाओं के विचारों को सुनने के बाद 1984 में उन्होंने दुर्गा वाहिनी की स्थापना कर दी। तो दुर्गा वाहिनी की जो स्थापना है, तो दुर्गा वाहिनी तमाम प्रकार की जो महिलाएं थी उनकी ये मांग थी कि हमें एक स्वतंत्र संगठन चाहिए जिसमें हम अपनी बात मुखर होकर उठा सकें और लोगों के सामने आप कह सकते हैं कि हम अपने जो मांगे हैं वो मांग सकें और लोगों को, नारी को सशक्त बना सकें, किसी भी तरीके से, अन्य तरीके की कोई भी दबाव या कोई भी ऐसा चीज ना हो जिसमें हम लोगों को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो या कोई भी अन्य तरीके की ऐसा कोई परिवेश ना हो जिसमें हम बोल न सकें। तो इसलिए तमाम प्रकार के परिप्रेक्ष्य, ये तमाम प्रकार के जो महिलाओं की मांग थी वो सुनने के बाद VHP यानी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 1984 में दुर्गा वाहिनी की स्थापना कर दी और इस तरीके से दुर्गा वाहिनी महिलाओं के लिए एक स्वतंत्र संगठन के रूप में उभरा और हमारे
सामने आया। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि दुर्गा वाहिनी की स्थापना कैसे की गई। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि दुर्गा वाहिनी क्या कार्य करती है। आपको बता दें कि दुर्गा वाहिनी तीन चीज़ों का अनुसरण करके कार्य करती है। पहला नंबर है सहयोग, दूसरा नंबर है सुरक्षा और तीसरा नंबर है संस्कार। तो चलिए इन तीनों पॉइंट को आसान और सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट है सहयोग। आप सभी जानते हैं कि हमारी बहुत सी ऐसी महिलाएं, बहनें, बहन बेटियां हैं जो कुछ तो करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने पैरों पर भी खड़ा होना चाहती हैं, लेकिन पैसे के अभाव में, वित्तीय स्थिति के अभाव में वो कुछ नहीं कर पाती है। ना तो कहीं पर प्रशिक्षण ले पाती है, ना तो कोई और चीज़ कोर्स कर पाती है, या कोई और चीज़ नहीं कर पाती है, सीख नहीं पाती हैं जिससे वो कुछ करके पैसे कमा सकें। तो इस तमाम प्रकार के चीज़ों में इसमें दुर्गा वाहिनी के द्वारा एक ये सहयोग किया जाता है, पहल की जाती है कि अगर कोई भी हिंदू महिलाएं, बहन बेटियां कुछ सीखना चाहती हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ जीवन में करना चाहती हैं, तो वो जो सीखना चाहती हैं, जो करना चाहती हैं, उसके लिए दुर्गा वाहिनी के द्वारा मुफ्त में, फ्री में प्रशिक्षण दिया जाता है। चाहे आप मान सकते हैं उदाहरण के लिए कढ़ाई हो गया, बिनाई हो गया, सिलाई हो गया, और ब्यूटी पार्लर लड़कियों की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तमाम प्रकार के प्रशिक्षण में, ये तमाम प्रकार के प्रशिक्षण दुर्गा वाहिनी के द्वारा फ्री में दिया जाता है। जो महिलाएं बहनें नहीं कर पाती हैं पैसों के अभाव में, उनको फ्री में ये कराया जाता है, जिससे वो ये करके सीख के बाजार में जाकर या कहीं पे भी घर से भी अपना एक तरीके से अपने पैरों पर खड़े हो सके और इस स्किल के माध्यम से वो पैसा कमा सकें। तो अपने पर पैरों पर खड़े होने के लिए मुफ्त में दुर्गा वाहिनी के द्वारा उन तमाम प्रकार की महिलाएं बहन बेटियों का सहयोग किया जाता है, और उनको कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि उनको सिलाई मशीन भी मुफ्त में दान की जाती है, जिससे वो उनका उपयोग करके ब्लाउज या और कोई भी चीज़ सिल के आप कह सकते हैं कि पैसे कमा सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो जो पहला नंबर पॉइंट है सहयोग के माध्यम से जो भी हमारी महिलाएं बहन बेटियाँ हैं उनको सशक्त करना और उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है दुर्गा वाहिनी का सबसे प्रथम उद्देश्य में से, कार्यों में से एक है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पॉइंट की तरफ। दूसरा नंबर पॉइंट है सुरक्षा। आप सभी जानते हैं कि जब भी महिलाएं, बहन बेटियां हमारे कहीं घर से बाहर निकलती हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए एक हमारे अंतर मन में सवाल खड़ा रहता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, कहीं और कोई समस्या ना हो जाए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में दुर्गा वाहिनी के द्वारा एक पहल की गई है। दुर्गा वाहिनी क्या काम करती है कि दुर्गा वाहिनी जो भी हमारी महिलाएं, बहन बेटियां हैं जो दुर्गा वाहिनी में शामिल होती हैं, तो उनको एक आत्म सुरक्षा ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से अगर कोई भी आप पे अटैक करने की कोशिश करता है, आप पे गलत निगाह डालने की कोशिश करता है, गलत काम करने की कोशिश करता है, तो कैसे उनसे आपको बचाव करना है, कैसे उनसे लड़ना है, किस तरीके से आप अपनी आत्म सुरक्षा कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जो आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग है दुर्गा वाहिनी के द्वारा दिया जाता है और तमाम प्रकार की महिलाओं को खुद के लिए आत्म सुरक्षा ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाता है। तो दूसरा नंबर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंटों में से एक है, इसकी हम सराहना करते हैं। अगर सभी प्रकार के इस तरीके से दुर्गा वाहिनी के द्वारा महिलाएं बहन जुड़कर आत्म सुरक्षा ट्रेनिंग ले लेती हैं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी भी महिलाओं की तरफ गलत निगाह देख पाएगा, किसी भी तरीके से गलत काम करने के लिए कोशिश कर पाएगा। तो दूसरा नंबर आप समझ पा रहे होंगे, दूसरा नंबर दुर्गा वाहिनी का सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है कि जो भी महिलाएं बहन बेटियां होती हैं उनको आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है और उनको सशक्त बनाया जाता है कि कभी किसी भी तरीके से कोई समस्या है तो कैसे उनसे निपटना है। तो दूसरा नंबर आप समझ गए होंगे, सुरक्षा के माध्यम से महिलाओं बहन बेटियों को सशक्त करना। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा नंबर पॉइंट है संस्कार। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में लगातार हमारे संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार, परिधान लगातार खोते जा रहे हैं। तो दुर्गा वाहिनी के द्वारा यह भी पहल किया जा रहा है कि जो भी हमारे संस्कृति हैं, हमारे जो भी परिधान हैं, हमारी जो भी सभ्यता हैं, तो इस तरीके से जो भी संस्कार हैं इसको एक तरीके से आगे बढ़ाया जाए और जो भी हमारी महिलाएं, बहन बेटियां दुर्गा वाहिनी में जुड़ती हैं तो उनको इसके बारे में अवगत कराया जाता है कि क्या हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कार हमारे क्या हैं, भारतीय परिधान हमारे क्या हैं, ये तमाम प्रकार की चीज़ों से उनको बताया जाता है, अवगत कराया जाता है और उसी का अनुसरण करने के लिए कहा जाता है। तो ये तीसरा नंबर जो कार्य दुर्गा वाहिनी के द्वारा किया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये इन चीज़ों के बारे में जानना, आज के युवा जनरेशन को जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे वो अपने संस्कार, अपने संस्कृत और अपने परिधान की ओर अग्रसर हो सके। तो तीसरा नंबर आप पॉइंट समझ गए होंगे, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि दुर्गा वाहिनी क्या कार्य करता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे अंतिम वाले पॉइंट में, जो सबसे ज़्यादा आप लोग पूछ रहे थे कि दुर्गा वाहिनी कैसे हिंदू और राष्ट्र विरोधियों का मर्दन करती है। तो आपको बता दें कि दुर्गा वाहिनी के द्वारा जब भी कोई किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं जो राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी होते हैं, महिलाएं बहन बेटियों को फंसाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लव जिहाद में हो, धर्म परिवर्तन में हो या और कई तमाम प्रकार की चीज़ों में, जब महिलाओं को परेशान करने की कोशिश करते हैं, उनको लव जिहाद, धर्म परिवर्तन में फंसाने की कोशिश करते हैं, तब दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आप कह सकते हैं कि उनको एक तरीके से समझाया जाता है, बताया जाता है। आप जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था, उसी तरीके से दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उस व्यक्ति
व्यक्ति का मर्दन किया जाता है कि इस तरीके की घटना, इस तरीके की चीज़ अब दूसरी बार करने की कोशिश मत करना, नहीं तो इसी तरीके से मर्दन किया जाएगा। तो आज के समय में जहाँ पर भी दुर्गा वाहिनी एक्टिव हैं, लगातार आप बढ़ रही हैं, वहाँ पर इस तरह की घटनाएँ बहुत ही कम हो गई हैं। और जहाँ पर भी हैं तो इस तरीके की घटनाएँ करने से पहले वो हज़ार बार अपराधी सोचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दुर्गा वाहिनी किस तरीके से हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधियों का मर्दन करती हैं। तो इसी तरीके से दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के द्वारा काफ़ी मर्दन किया जाता है, और जो भी राष्ट्र और हिंदू विरोधी होते हैं उनको बताया जाता है कि इस तरीके से काम करने से पहले 10 बार सोच लेना, उसके बाद ये काम करना। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि दुर्गा वाहिनी क्या है, दुर्गा वाहिनी की स्थापना कैसे की गई, दुर्गा वाहिनी क्या कार्य करती है, और दुर्गा वाहिनी कैसे हिंदू राष्ट्र विरोधियों का मर्दन करती है। अगर आपको समझ में आएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम आपके पास लाते रहते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने हमारी और वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर देख लीजिए, आपको नीचे भी वीडियो दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं, और लिंक पे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, और देखने के बाद उसमें भी आप प्यार दे सकते हैं। तो अभी लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।